दोस्तों वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम CMD की वीडियो 3 देखने वाले हैं, पार्ट 3 वीडियो, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस कमांड्स ऑफ MD, CD, RD और कॉपीकॉन। इन सभी की हेल्प से हम आज एक प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट या सिनेरियो मैंने लिया है, जिसमें हमने एक फोल्डर यहाँ पर लिया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक फोल्डर होगा। इस फोल्डर में हम चार फोल्डर को क्रिएट करेंगे। उन फोल्डर का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। चार फोल्डर क्रिएट करने के बाद उन फोल्डर्स के अंदर पहले फोल्डर में कोई भी फाइल एक बनाएंगे, फिर लास्ट वाले फोल्डर में एक फाइल बनाएंगे। और दोस्तों ये चीज़ यहाँ तक फिनिश नहीं होगी, इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक फोल्डर को डिलीट भी करते हुए बाहर आना है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आज का वर्क क्या है। तो इसी वर्क से आप कंप्लीटली बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे MD CD कमांड को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी पिछली वीडियोस को एक बार देखिए। और दोस्तों इस पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको आज पता चल जाएगा कि MD CD कमांड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा CMD हमने ओपन किया हुआ है, और ये रहा हमारा वो फोल्डर जिसमें आप ग्राफिकली देख पाएंगे कि फोल्डर कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है। पहले मैं आपको ग्राफिकली बताना चाहूँगा कि क्या मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मेरा एक फोल्डर है, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करा जिसका नाम मैंने लिख दिया निशांत, NISHANT। और इसके अंदर मैं चला जाता हूँ, इसके अंदर मैंने तीन फोल्डर और बना दिए। तो मैं यहाँ से क्लिक करके बना लेता हूँ, 2, 3 और 1, 4। चार फोल्डर बन गए। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फाइल बना दी जिसका नाम मैंने दे दिया 1। और इससे बाहर लास्ट वाले फोल्डर में, न्यू फोल्डर 4 में, मैंने एक अनदर फाइल बना दी जिसको मैंने नाम दिया 2। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मुझे क्या करना है। अब एक और प्रॉब्लम है, आपको इन सभी फोल्डर्स को डिलीट भी करते हुए बाहर आना है, वो भी कमांड से। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे करेंगे हम इसे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी कमांड चलाएंगे MD। अब दोस्तों पूरी वीडियो को ढंग से देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी क्या करना है। MD स्पेस फोल्डर नेम। तो फोल्डर नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, ये तो बात आप समझ ही गए। तो यहाँ पर मैं आज फोल्डर नेम लेता हूँ निशु, और एंटर करते हैं MD स्पेस निशु। अब हमारे पास एक फोल्डर बन के तैयार हो चुका है, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर दिया है हमने निशु नाम का फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है। तो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी फोल्डर के अंदर एंटर करने के लिए CD स्पेस फोल्डर नेम। तो CD स्पेस निशु हम एंटर कर चुके हैं। अब फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं। अब हमें चार फोल्डर क्रिएट करने हैं, 4 फोल्डर हमें क्रिएट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल कमांड है, जैसे आप ऊपर कर रहे हैं MD स्पेस 1, MD स्पेस 2, MD स्पेस 3 और MD स्पेस 4। ये चार कमांड हमने चला दी। तो इसका मतलब हुआ चार फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं हम ग्राफिकली भी। नीशू वाले फोल्डर पर हम डबल क्लिक करते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे चार फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। चारों के चारों फोल्डर का नाम है। अब हमारा टास्क क्या था, इस डायग्राम को आप देखिए। यहाँ पर हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। 1, 2, 3, 4 चार फोल्डर हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब पहले वाले फोल्डर के अंदर हमें ये नाम, हमें यानी कि एक फाइल हमें क्रिएट करनी है। ऐसे ही हमें 4 नंबर फोल्डर के अंदर जाना है और उसमें ये फाइल क्रिएट करनी है। तो चलिए CMD के अंदर कैसे क्या करना है वो समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ से हम इसे क्लियर कर देते हैं, ताकि स्क्रीन में और भी कुछ दिखाई ना दे, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, निशु के बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है Folder 1। अब Folder 1 के अंदर पहले जाना पड़ेगा, तभी हमारा ये वाला टास्क पूरा हो, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर हमें फाइल को क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, CD स्पेस 1 और एंटर। जैसे कि मैं आपको पहले दिखा चुका था, इस फोल्डर के अंदर हमारा 1 नाम का एक फोल्डर है। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, देखिए ये कंडीशन पर अब हमें ऊपर आप मैचिंग कर सकते हैं, यहाँ पर इस कंडीशन पर हैं। यहाँ पर हम सी यूज़र नवीन निशु और 1 नाम के फोल्डर के अंदर है। अब हमें यहाँ पर फाइल क्रिएट करनी है, जो कि आप पहले सीख चुके हैं, आसान है। कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल का नाम, फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे टेस्ट, और एंटर करेंगे हेलो दिस इज अ टेस्ट ऑफ CMD। तो हमने यहाँ पे लिखा दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ CMD। उसके बाद कंट्रोल जेड बटन आप प्रेस करेंगे सेव करने के लिए फाइल को, और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आप देखेंगे इस फोल्डर के अंदर फाइल हमारी बनके क्रिएट हो चुकी है।
बन के बिल्कुल तैयार है हमारी फाइल। उसके बाद अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, हम फोल्डर नंबर 1 के अंदर हैं, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर हैं। अब 4 नाम के फोल्डर के अंदर फाइल कैसे बनाएं? जाहिर सी बात है आपको यहाँ से बैक करना पड़ेगा, बैक करेंगे तभी आप फोल्डर वाले डबल क्लिक करके एंटर होंगे। तो बिल्कुल सेम हमें यहाँ पर दोस्तों करना पड़ता है, यहाँ पर आपको इस फोल्डर से बाहर आना होगा, जैसे मैं पहले पिछली वीडियो में बना चुका हूँ। तो उसमें आप देखेंगे फोल्डर से बाहर आने के लिए हमें क्या करना होता है, वो कमांड होती है सीडी डॉट डॉट, वो एक फोल्डर से बाहर आने के लिए होती है। अब सीडी डॉट डॉट या सीडी बिल्कुल फोल्डर से बाहर आने के लिए भी बहुत कमांड्स हैं, तो उसको ही मैं आपको डिटेल में धीरे धीरे करके आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। अब सीडी स्पेस डॉट डॉट एंटर करके बाहर आ गए। अब आपने देखा हम 1 नाम के फोल्डर से बाहर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें फोल्डर नंबर 4 के अंदर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सीडी स्पेस 4 और 4 नंबर के फोल्डर में हम एंटर हो जाएंगे। अब 4 नंबर के फोल्डर में एंटर होने के बाद फिर कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है, जैसे आप पहले कर चुके हैं वैसे ही करना है। कॉपी स्पेस कॉन टेस्ट 4, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, तो सॉरी मैंने इसमें गलत नाम टाइप कर दिया, कॉपी स्पेस कॉन टेस्ट 4 विदाउट स्पेस आपको देना होता है, अगर आप एक स्पेस दे देते हैं तो इनकरेक्ट हो जाएगा, सिंटैक्स एरर हो जाता है। अब आप यहाँ लिखिए हेलो दिस इज माय टेस्ट 4 फाइल, आप एंटर करिए, कंट्रोल जेड के साथ एंटर कर दीजिए, फाइल सेव हो जाएगी। अब आप फोल्डर पे 4 पे क्लिक करके देखिए, आपको वहाँ पर टेस्ट 4 नाम की एक फाइल भी दिख जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा दोनों टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, पहला हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है और दूसरा हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब प्रॉब्लम नंबर अगली आती है, वो है इस फोल्डर को भी डिलीट करना है, इस फाइल को भी डिलीट करना है, इन फाइलों को भी डिलीट करना है, और इन्हें डिलीट करते हुए पूरा कम्प्लीटली इसे भी डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम है हमारे पास 2 टाइप की कमांड्स होती हैं। पहली कमांड मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से, आप पहली वाली वीडियो में भी आप देख चुके हैं, हालांकि मैंने दोनों कमांड उसमें बताई हैं। आप चाहें तो इस पूरे फोल्डर को ही कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं, जो कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी हो। उसमें एक कमांड होती है, उसका कमांड का भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उतना सिंपली नहीं करना है, पहले हमें 1 by 1 इन कमांडों का यूज़ सीखना है। इन कमांड्स का यूज़ सीखने के बाद तब जाके हम कोई भी एक प्रोफेशनल कमांड जो भी हमारी होती है उसे चला सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पहले सीख लेते हैं, और स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर फोल्डर नंबर 4 के अंदर हम ऑलरेडी हैं, तो पहले हम इस फाइल को डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी हैं तो बार बार उसमें अंदर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो पहले हम इस फोल्डर के अंदर की फाइल को डिलीट कर लेते हैं, तो कमांड होगी del, फाइल को डिलीट करने के लिए दोस्तों del होता है, del स्पेस फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या था हमारा, टेस्ट 4, टेस्ट 4 करके आप एंटर करेंगे, फाइल डिलीट हो चुकी है। अब आपको कैसे क्लियर होगा, आप जाके अपने फोल्डर में चेक कीजिए, इस फोल्डर के अंदर डबल क्लिक कीजिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप हर बार फोल्डर के अंदर जाके चेक करेंगे, देखिए कमांड्स पे भी ये ऑप्शन होता है, वहाँ पर भी हम जाके चेक कर सकते हैं कि फाइल डिलीट हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए भी मैं आपको अगली वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें आपको बेसिक बेसिक कमांड्स के बारे में जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फाइल डिलीट हो चुकी है, अब हम फोल्डर से बाहर आ सकते हैं, तो सीडी डॉट डॉट, और अब हम इस फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं, कमांड होती है rd स्पेस 4, आप देखेंगे फोल्डर भी डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पर निशु नाम वाले फोल्डर पर हैं, और निशु नाम के अंदर जो अब हम इस वाले फोल्डर के अंदर, यानी कि निशु नाम के फोल्डर के अंदर, अब इसमें 1, 2, 3, 4 फाइल फोल्डर बने हुए थे, उनके अंदर हमने इस फाइल को डिलीट कर दिया है। अब आप चूंकि यहाँ पर हैं, फिर आप 1 by 1 किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि बस वो फोल्डर अंदर से ब्लैंक होने चाहिए, खाली होने चाहिए। अब ये फोल्डर तो पूरा ब्लैंक हो गया, तो इसे हम आराम से डिलीट कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, इसे भी, लेकिन इसको करने के लिए पहले हमें इस फोल्डर के अंदर जाना होगा, उसे डिलीट करना होगा उस फाइल को, फिर उससे बाहर आना होगा, फिर उस फोल्डर को हम डिलीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम डिलीट कर लेते हैं RD4 को, हम कर चुके हैं, अब delete 3 कर लेते हैं और RD2 कर लेते हैं। हम इस फोल्डर को भी देखते रहते हैं यहाँ से। अब देखिए हमारे पास एक फोल्डर बचा, एक ही फोल्डर हमारे पास आखिरी रह गया है, तो उस फोल्डर को हम क्या करेंगे, अगर RD1 हम प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, यानी कि डायरेक्टरी खाली नहीं है, फोल्डर ब्लैंक नहीं है, फोल्डर के अंदर ऑलरेडी एक फाइल है, और वो फाइल क्या है वो तो आपको पता है। इस फोल्डर के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमारी टेस्ट नाम की फाइल पड़ी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, तो CD स्पेस 1
और उस फोल्डर के अंदर पहले उस फाइल को डिलीट करेंगे, जैसे कि हम लास्ट पहले सबसे पहली कमांड में कर चुके हैं, del स्पेस टेस्ट। और जैसे ही हम टेस्ट को एंटर करेंगे, वहाँ पर हमारे जो फोल्डर के अंदर फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। अब काम आसान है, लेकिन अब भी हमें फोल्डर से तो बाहर आना पड़ेगा, तभी हम वन नाम के फोल्डर को डिलीट कर पाएंगे। तो cd डॉट डॉट एंटर, हम इस फोल्डर से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद अब आपको rd स्पेस वन टाइप करना होगा और आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा सारे फोल्डर डिलीट हो गए। तो अब ये वाली पूरी जो लाइन है हमारी वो तो डिलीट हो गई है। अब लेकिन हमारा टास्क अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी हमें इसे भी डिलीट करना है, क्योंकि हमारा टास्क था कि वो लास्ट वाले फोल्डर को भी डिलीट करना होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वापस cmd पर चलेंगे। अब हम यहाँ पर निशु नाम के फोल्डर के अंदर है, इससे भी हम बाहर आ जाते हैं, निशु फोल्डर हमें यहाँ पर दिखाई देगा, तो वही हमें करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से बाहर आए हैं ना दोस्तों, देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, निशु नाम के फोल्डर के अंदर जाकर आप डिलीट किसे करेंगे, यहाँ से कोई डिलीट कर निशु को यहाँ से तो डिलीट नहीं कर सकते ना। तो अभी हमारी कंडीशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, अभी हम निशु नाम के फोल्डर के अंदर हैं, तो यहाँ पर निशु को कैसे डिलीट कर सकते हैं, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम निशु नाम के फोल्डर के अंदर हैं, तो उसी उसके अंदर थोड़ी हम किसी को डिलीट कर देंगे, उस फोल्डर के अंदर तो निशु है ही नहीं, वो तो खुद निशु नाम का फोल्डर है। तो जैसे हमें यहाँ से बाहर आना होता है, ऐसे ही हमें यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। तो cd स्पेस डॉट डॉट, अब निशु नाम के फोल्डर से हम बाहर आ चुके हैं। अब दोस्तों जैसे हम राइट क्लिक करके यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही हम rd स्पेस निशु करके यहाँ से भी इसे डिलीट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे फोल्डर डिलीट हो चुका है। और दोस्तों एक बात और बता दूँ, cmd से डिलीट की गई कोई भी फाइल और फोल्डर रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, वो डायरेक्टली डिलीट होती है। तो बहुत सोच समझ के आप cmd से कोई भी काम करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी आती है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बताइए क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, फिर मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू उसमें सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, आपने शुरू से एंड तक पूरी वीडियो देखी होगी, तो पक्का इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और फिर भी अगर कोई आता है तो मैं हूँ, मैं उसमें आपको पूरा क्लियर करूँगा क्या करना है कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे भी इस चीज़ को समझ सकें।